रंजन को और कंगन को इस बात से बड़ी तकलीफ पहुंची है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और विशेषकर माननीय सांसद अररिया प्रदीप साहब ने जो घृणित बयान इस वक्त दिया है कि जिनको यहाँ रहना होगा हिंदू बनकर रहना होगा, मैं इसकी पूरे तौर पर भर्त्सना करता हूँ। इसलिए ये देश भारत किसी की बकौती नहीं है, किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अग्रे पिछड़े गोरे काले सबों का ये देश है, सबों को समान नागरिकता मिली हुई है। और एक देश जो धर्मनिरपेक्ष देश हमारा है और हमारी धर्मनिरपेक्षता और हमारा जो सेकुलरिज्म है बहुत ही आइडियल है, वो ये है कि हर आदमी को इस बात की इजाजत है कि वो अपने धार्मिक आस्था और आदर्शों का पालन करे। साथ ही उसका दायित्व है कि दूसरों के धार्मिक आस्था, उनके धर्म स्थली, उनके धर्म ग्रंथ और उनके धर्म गुरुओं का आदर करे। इस आदर्शपूर्ण माहौल को अगर कोई बिगाड़ना चाहता है तो सीमांचल की जनता कभी भी उसको इजाजत नहीं देगी। कान खोलकर इन नेताओं को सुन लेना चाहिए। सीमांचल के लोग भूखे रह सकते हैं, बदन पे कपड़े नहीं हो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उन्माद को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर धोखे की टट्टी से जीत गए हैं वो तो अपने आप को बहुत बलवान नहीं समझे। मामला यह है कि लोकतंत्र की हत्या होगी उस दिन जिस दिन धार्मिक उन्माद और जाति उन्माद पर लोग राजनीति करेंगे, और ये लोग कर रहे हैं। इस बात की कदर इजाजत नहीं होगी। मैं जदयू के उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो भाजपा को बैसाखी देकर जिताते हैं, ये नेता चुप क्यों है? इनके मुंह में क्या घुस गया है नहीं बोल पाते हैं? नीतीश कुमार जी को फौरन अगर वो ये कहते हैं कि हम भाजपा के साथ हैं लेकिन भाजपा के आदर्शों के साथ नहीं है, तो फौरी तौर पर ऐसे नेता लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और सत्ता के दलालों को और जदयू के गली कूचे में घूमकर बड़ा नेता अपने आप को कहने वाले नेताओं को अपनी जबान खोलनी चाहिए कि सीमांचल के सौहार्दपूर्ण वातावरण को जो लोग दूषित कर रहे हैं उसके खिलाफ चुप क्यों है? मैं समझता हूँ सीमांचल की जनता कभी भी इस किस्म के घृणित बयानबाजी का समर्थन नहीं करेगी और आने वाले दिनों में इनको करारा जवाब मिलेगा। इन लोगों ने बहुत प्रयास किया है। पिछले दिनों में अमित शाह जी हो या मोहन भागवत जी भी हो, उस इलाके में आकर सबको हमारा सौहार्द, हमारी मोहब्बत, हमारी गंगा जमनी तहजीब खटकती है और ये लोग उसको बिगाड़ना चाहते हैं। सीमांचल की जनता कभी इसकी इजाजत नहीं देगी।